ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर ने उनकी दादी की याद दिला दी, जो चाहती थी कि पूरा परिवार बीजेपी में रहे। जिवाजीराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया की 5 संतानों में माधव राव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और आज 18 साल तक कांग्रेस के साथ सियासत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में 1 जनवरी 1971 को पैदा हुए ज्योतिरादित्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे। वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। सिर्फ 10 साल में ही उनका मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजयराजे सिंधिया की बदौलत ग्वालियर क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ और 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहाँ की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजयराजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और विजयराजे सिंधिया के बेटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने। माधवराव सिंधिया अपनी माँ पिता के इकलौते बेटे थे। वो 4 बहनों के बीच अपने माता पिता की 3री संतान थे। माधवराव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे, लेकिन वो बहुत दिन जनसंघ में रुके नहीं। 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी माँ विजयराजे सिंधिया से अलग हो गए और 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर केंद्रीय मंत्री भी बने। उनका विमान हादसे में 2001 में निधन हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पुत्र हैं। विजयराजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की सीएम भी बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गईं। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने माँ की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही। अम्मा और दादा एक ही सिक्के के 2 पहलू थे और जब दादा ऑक्सफोर्ड से आए वापस तो जनसंघ ही उनने ज्वाइन किया, तो वो भी उनकी राजनीतिक कड़ियां और सीढ़ियां चढ़ने की बात जब हम कहते हैं तो अम्मा के हाथों से ही हुई और जनसंघ के हाथों से हुई। तो वो जो नींव पहली डाली गई थी, मुझे लगता है कि राजमाता साहब उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि महाराज भी आ जाएं वापस। आज इस होली के दिन और होली के त्योहार पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी लगती है कि वो घर वापसी उनने नहीं की पर उनके बेटे से हो रही है। 2001 में एक हादसे में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत संभालते रहे और कांग्रेस के मजबूत नेता बने रहे। गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा झटका लगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी में ही है। वो अभी राजस्थान के झालावाड़ सीट से सांसद हैं। पद्मराजे सिंधिया जिवाजी राव और विजयाराजे सिंधिया की पहली संतान थी। पद्मा का निधन पिता जिवाजी राव के निधन के 3 साल बाद ही हो गया। जिवाजी राव ने 1961 में जबकि पद्मा ने 1964 में अंतिम सांस ली। जिवाजी राव और विजयाराजे की दूसरी पुत्री उषा राजे सिंधिया राजनीति से दूर रहीं। आज तक ब्यूरो।